फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। दोस्तों, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, हमारा फाइल एडिट इमेज वगैरह हो चुका था और आज मेरा लेसन 6 है जिसमें हम लोग लेयर के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं फोटोशॉप 7.0 पे, ठीक है। ये हम आ चुके हैं 7.0 पे और हम लोगों का आज लेयर लेसन चलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेयर फोटोशॉप 7.0 में दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये आप ये देख सकते हैं, लेयर चैनल है, इसमें पैथ है, इसमें सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये है लेयर। तो इस लेयर और इस लेयर में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो चीज कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, जो ऑप्शन इसमें मिलेगा, वो आपको इसमें भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा वो हम देखते हैं आज, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये देखिए, मेरा यहाँ पे एक फाइल लेयर बन गया होगा। इसको मैं डबल क्लिक करके लॉक को तोड़ देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। यहाँ देखिए, आप एक लेयर बन गया, ठीक है। और इस लेयर में मैं वाइट कलर मेरा है यहाँ पे, मैं इसको फिल करता हूँ। तो फिल करने के लिए यहाँ पे दोस्तों, फिल करने के लिए हम लोग बताए थे यहाँ पे ब्रश टूल्स का, पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्लिक करके मैं, ये देखिए मेरा फिल हो गया कलर। मूव टूल ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा देखिए कलर फिल हो चुका है। ये देखिए मेरा कलर फिल हो चुका है। उसके बाद देखिए, ये न्यू लेयर है, बैकग्राउंड है, इसमें डुप्लीकेट लेयर है, डिलीट है, लेयर प्रॉपर्टीज है, लेयर स्टाइल है, ब्लेंडिंग वगैरह है, इसमें ब्लेंडिंग ड्रॉप, शैडो, इनर वियर, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, बेवेल्स, सेटिंग्स, कलर, ग्रेडियंट्स, सारा कुछ है। तो इसमें भी मेरा सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, इसमें भी मेरा यहाँ पे लेयर्स में सारा कुछ है। ब्लेंडिंग है, ड्रॉप शैडो है, इनर ग्लो है, आउटर ग्लो है, सारा कुछ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर ले लिया। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। तो एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद लेयर में चलते हैं और न्यू फिल लेयर। तो सॉलिड कलर मैंने इसमें ओके कर दिया और रेड डाल दिया, ठीक है। रेड डाल दिया। तो इसका मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, यहाँ भी ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके मैं आपको ड्रॉप शेडो, इनर ग्लो, सेटिंग वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। या नहीं तो मैं यहाँ से भी आपको लेयर स्टाइल में जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन आएगा, ये देखिए यहाँ से आएगा, मैं यहाँ से भी चल सकता हूँ। तो यहाँ से चलते हैं, ड्रॉप शेडो में आ गए। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ और इसको मिडिल कर देता हूँ। ये देखिए मेरा ड्रॉप शेडो, आप देख पा रहे होंगे ड्रॉप शेडो मेरा लग रहा है। उसके बाद ये मैं स्ट्रोक में चलता हूँ और स्ट्रोक को मैं थोड़ी सी स्ट्रोक भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरा स्ट्रोक आ गया, ड्रॉप शेडो थोड़ा हल्का हो गया, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। चलिए, मैंने एक और थोड़ा सा ले लिया, ठीक है। उसके बाद ओके। उसके बाद हम लोग करते हैं कंट्रोल जे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप डुप्लीकेट लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद यहाँ पे देखिए, अब डुप्लीकेट लेयर यहाँ आ गया होगा। तो मूव टूल में जाके फिर इसको मूव कर सकते हैं। देखिए मूव हो रहा है, तो कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल जे, ठीक है, कंफर्म। उसके बाद कंट्रोल जे से हम तो फिर शॉर्टकट ले लेते हैं और फिर हम इसको थोड़ी सी मूव कर लेते हैं, कंफर्म, ठीक है। उसके बाद फिर से हम कंट्रोल जे करते हैं और उसके बाद फिर से मूव कर लेते हैं, ठीक है। फिर से कंट्रोल जे, फिर से थोड़ी सी मूव, ठीक है। उसके बाद फिर से कंट्रोल जे, फिर से मैं इसको थोड़ी सी मूव कर लेता हूँ, फिर से कंट्रोल जे, इसको मैं थोड़ी सी फिर से मूव कर लिया, ठीक है। अब देखिए मेरा ये रेक्टेंगल टूल्स का जो यूज़ है, मैंने इसको कर लिया, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट वाले लेयर पे चलते हैं, फर्स्ट वाले लेयर पे, और इस लेयर को हम उठा के इस लेयर पे डाल देते हैं, ठीक है। डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे और यहाँ ग्रुप विथ
ग्रुप विथ प्रीव्यू, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल जी है, आप यहाँ से भी इसको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शॉर्टकट की ऐसे ग्रुप, देखिए मेरा एक रेक्टेंगल में मेरा एक चला गया, ठीक है। फिर इस टूल्स पे जाके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट लेयर, ओके मेरा ये हो गया। फिर दूसरे वाले पे चल के फिर दूसरे वाले पे डाल देते हैं, दूसरे वाले पे खींच के ले जाके दूसरे वाले पे डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर यह लेयर में चलते हैं, फिर इसको ग्रुप विथ प्रीव्यू लेयर मास्क, ठीक है। फिर इसको डुप्लीकेट लेयर करते हैं, डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। इसको फिर से तीसरे वाले पे चलते हैं, तीसरे वाले पे डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर लेयर में चलते हैं, फिर ग्रुप विथ प्रीव्यू कंट्रोल मास्क, ठीक है। फिर उसके बाद डुप्लीकेट लेयर, फिर ओके। फिर मैं तीसरे वाले पे चलता हूँ, चौथे वाले पे फिर से यहाँ डाल दिया, फिर लेयर में गए और ग्रुप विथ मास्क, ठीक है। फिर इसका डुप्लीकेट लेयर करते हैं, डुप्लीकेट लेयर, ओके। और फिर हम पांचवें वाले पे डाल देते हैं, ठीक है। फिर लेयर में गए, ग्रुप विथ हो गया, फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं, फिर डुप्लीकेट, सॉरी यहाँ सेलेक्ट हो रहा है तो इसको यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। फिर यहाँ गए, डुप्लीकेट लेयर, ओके। फिर इस वाले पे डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद लेयर में गए, फिर ग्रुप विथ प्रीव्यू आ गया ग्रुप, फिर इसका लेयर जाते हैं, फिर से डुप्लीकेट लेयर, ओके। और फिर हम इसको खींच के यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और फिर ग्रुप विथ प्रीव्यू, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा तैयार है। और हम इस तरह का लेयर का यूज़ करते हैं, तो इस लेयर के बारे में हम लोग जाहिर सी बात है कि जान गए होंगे कि इस लेयर का यूज़ कैसे और कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ से हम ब्लेंडिंग ऑप्शन वगैरह खोल सकते हैं, जो कि मेरा ये लेयर लेयर इसमें भी लेयर स्टाइल्स में लेयर सॉलिड कलर ग्रेडियंट पैटर्न वगैरह है, ग्रेडियंट पैटर्न मैंने आपको बताया था, और लेयर लेयर स्टाइल वगैरह ब्लेंडिंग ऑप्शंस है जो यूज़ हम लोग करेंगे। डिलीट है, डिलीट लेयर, आप कोई भी डिलीट लेयर करना है तो यस करेंगे। तो ये देखिए मेरा एक लेयर यहाँ से डिलीट हो गया। फिर अंडू, इमेज एडिट में जाकर फिर से अंडू कर देते हैं, फिर से वो मेरा लेयर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से है डिलीट का। डुप्लीकेट लेयर करना है तो भी, न्यू करना है कोई भी बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर का सब कुछ इसमें डुप्लीकेट करना है, या लेयर हमको डुप्लीकेट करना है, न्यू लेयर रखना है तो भी हो सकता है। कॉपी विया लेयर, तो कंट्रोल जे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कंट्रोल जे शॉर्टकट की है जो लेयर डुप्लीकेट करने के लिए होता है, तो वो है। और हम लोग इसका यूज़ फिर से जानेंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाने के कारण मैं आपको लेयर पार्ट टू में यह सारा क्लियर करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।